अबे ये कमौली का इतना काय को चिल्ला रही है, बड़ा पाव बेच रही है, नॉइस पोल्यूशन। इसका ठेला ठेला नहीं है, इसका ठेला है कलेश का मेला। इसकी ये दर्द भरी वेब सीरीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, हर दिन एक नया एपिसोड रिलीज हो जाता है। हाँ जी सुनाइए, स्वागत है आपका। आज मैं बात करने वाला हूँ वड़ा पाव में चटनी कम आंसू ज्यादा डालने वाली वड़ा पाव गर्ल के बारे में। जो आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, दो दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, दो दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा। अरे सुशीला दो दिन तो छोड़, दो घंटे नहीं जी पाएगा, क्योंकि जितने आंसू तेरे पास है ना उतने आंसू तो कोई एक लीटर ग्लिसरीन पी के भी निकाल पाएगा। आज भाई को दिख रहा है 350 गज की कोठी छापेगी, छापेगी तो बहन मेहनत करके छापेगी ना, तेरे क्या दिक्कत जा रही है। अबे संजीव कपूर की चाची, तुझे सच में लगता है कि तू वड़ा पाव बेचकर 300 गज की कोठी छापेगी? तो थोड़ा सबर कर, जो ये तेरे ठेले के इर्द गिर्द भूटानी मुर्ग मंडरा रहे ना, ये सिर्फ कुछ दिनों तक है, जब तक इनको कोई नया मुर्गा नहीं मिलता, उसके बाद सब उड़नचू हो जाने। फिर तू देसी घी में भी वड़ा पाव बनाएगी ना तो कोई कुत्ता भी पूछने नहीं आने वाला। तेरी रेडी नहीं लगी तो दिल्ली NCR में किसी की भी रेडी नहीं लगी। हाँ बिल्कुल केजरीवाल की अम्मा, जैसा तू कह रही है वैसा ही होगा, बस एक बार केजरीवाल जी बाहर आ जाए। माँ छिन गई, बाप छिन गया, रिश्तेदार छिन गए, नानी माँ जिनने पाल पोस के बड़ा किया वो छिन गए, आसान तो था ही नहीं मेरे लिए। अबे अल्ताफ राजा की दर्द भरी एल्बम, तू जिस चीज के लिए रो रही है ना, इंडिया के करोड़ों लोगों ने वो देखा तक नहीं है। आज भी इंडिया में करोड़ों लोग सर पे छत, दो वक्त की रोटी और तन पे कपड़े के लिए दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं मिल रहे, और तू इससे ही सिंपैथी बटोर रही है। कभी सोचा नहीं था कि जो काम AI पढ़े लिखे लोगों के लिए कर रहा है वो काम पढ़े लिखे लोग अनपढ़ों के लिए करेंगे, उनका धंधा ही खा जाएंगे। प्लीज कोई भी रोड पे मत खड़ा करो, कल मुझे बहुत पुलिस वालों ने कहा। अरे तो क्या हो गया, पुलिस वाले ही तो हैं और तू इलीगल काम ही तो कर रही है, तो इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? तेरे पास तो इनबिल्ड वकील है ना, तेरे आंसू वो तुझे बचाएंगे। आप लोग बताओ अगर मैं कुछ गाली कर रही हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ, मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही। अरे नहीं पारो, तू कुछ भी गलत नहीं कर रही है, बिना परमिशन के किसी की दुकान के सामने ठेला ही तो लगा रही है, उसका धंधा ही तो खराब कर रही है, ट्रैफिक जैम ही तो लगवा रही है, इसमें क्या गलत कर रही है तू? वो क्या है ना कि केजरीवाल जी के जेल जाने से पुलिस वालों का मानसिक संतुलन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर चला गया है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये दीदी भले ही इल्लीगल काम कर रही है पर ईमानदार बहुत है। दारू वाला फेंकता है एक-एक लाख रुपए, मैं नहीं फेंक सकती भाई, बहुत हराम की कमाई नहीं है भाई, बहुत मेहनत की कमाई है। बिल्कुल सही बात है बहन, मेहनत की कमाई कोई कैसे दे देगा, भले ही 15 का वड़ा पाव 50 में बेच रही है पर मेहनत तो कर रही है ना। कल पुलिस वाले से बात कर गई, जो मांगा उसने मैंने बोला कि हाँ मैं दूंगी, पर तू मुझे लगाने तो दे। अरे शर्मिला इतनी जल्दी पलट गई तू, थोड़ा तो रुक जाती, अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी, अभी क्या हो गया तेरे को, हराम की कमाई करने लग गई है क्या, जो पैसे देने को राजी हो गई। और बहन अगर तेरे को ठेले लगाने में इतनी दिक्कत हो ही रही है तो एक दुकान किराए पे ही ले ले, इतने पैसे तो है ही तेरे पास, ये रोज रोज चुट्टे बैल जैसे फूड ब्लॉगर्स के सामने अपना नमकीन पानी मत बहाया कर। मेरे पति पे मेरे को उनकी तबीयत की टेंशन है, मेरे को इसकी तबीयत की टेंशन, आपकी खुद की तबीयत खराब है। अबे तो जा बहन किसी डॉक्टर से इलाज करा, ये वड़ा पाव तो बिकते रहेंगे, जिंदगी बना वड़ा पाव क्या बना रही है। थोड़ा तो समझे ना यार, थोड़ा तो समझे। अबे थोड़ा तो तू भी समझ लेना यार, जब तुझे ही अपनी फैमिली की टेंशन नहीं है, बीमारी में काम करा रही है बताओ, तो दूसरे क्यों समझे यार, ये पूरे दिन अपनी आंखों से जलधारा बहाती रहती है और फिर कहती है अरे पारो अगर तेरा ये रहना खत्म होगा तो मिलेगा ना, दिन में 12 घंटे में से 10 घंटे तो इसका ये बाली का वधू चलता रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन की भीड़ है, 1.5 महीने हो गए, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले। अरे बहन जिस जनता के ऊपर तो अपनी मूंछ मुंडा रही है ना, ये वही जनता है जो कुछ दिनों पहले बाबा का ढाबा, कुल्हड़ पिज्जा, MBA चाय वाला, BTech पानी पूरी वाली के ठेले पे मंडरा रही थी, और तुझे ही पता है कि आज वो कहाँ है, और तेरे ठेले पर भी भीड़ तब तक रहेगी जब तक तेरे आंसू गिरते रहेंगे, तो सुबह शाम ग्लिसरीन के घूंट मार और बिजनेस बढ़ा। पुलिस वाला तब क्यों नहीं आया सर, जब मैं महावीर हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके खड़ी थी। क्योंकि जब तक तेरे कानों को बहंगा कर देने वाली आवाज किसी ने नहीं सुनी थी, इस दुनिया में सिर्फ इसी का बच्चा इसी की फैमिली बीमार होती है। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं। 50 रुपए भाई, वैसे 40 रुपए भी है, दिल्ली वालों को पाव समझ में नहीं आता। अबे सफोला ऑयल की अम्मा, तभी तो तू 15 का माल 50 में बेच रही है, तुझे क्या लगता है लोग तेरे वड़ा पाव के लिए आ रहे हैं, लोग सिर्फ तेरे ठेले पर सर्कस देखने आ रहे हैं कि आज कौन सा नया कलेश होने वाला है। वरना जो मेरे बॉम्बे के, पुणे के, महाराष्ट्र के कस्टमर है वो ऑथेंटिक खाते 40 वाला। अरे हैदराबादी बिरयानी तेरे को क्या लग रहा है, 50 रुपए का वड़ा पाव खाने के लिए कोई 5,000 रुपए खर्च करके आएगा? आए कहाँ से हो आप? हैदराबाद से आए। कितना किराया लग गया आप खाने में? फ्लाइट से आया हूँ, 5,000 रुपए। अबे तू अकल से घुटनों पे है क्या, इतने रुपए में तो ये खुद तेरे को देने आ जाती वड़ा पाव, इसके कस्टमर तो इससे भी बड़े वाले हैं। टेस्ट अलग है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। वो तो अलग होगा ही, क्योंकि इसमें सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो डालती है। अबे आंखों का नमकीन पानी, पहली बार खाया वड़ा पाव अपनी लाइफ में और इसी का खा रहा हूँ, पहली बार लेके बताऊंगा आपको। हां भाई बात तो है इसमें। अबे स्वाद के चाचा, पहली बार टेस्ट करते ही पता चल गया, जिंदगी में पहली बार इसी का वड़ा पाव खाते ही तुझे पता चल गया कि इसी का सबसे बेस्ट है वड़ा पाव। ये वही लौंडा है जो फेसबुक अपनी
अपनी फोटो डालने के बाद सबसे पहली लाइक और कमेंट खुद ही करता है। भाई प्रॉपर ऑथेंटिक मुंबई वाला स्वाद मिलेगा आपको यहाँ पे। अबे मुंबई में ज्यादातर लोग वड़ा पाव स्वाद की वजह से नहीं खाते हैं, वो इसलिए खाते हैं क्योंकि कुछ और मिलता नहीं है पोहे के अलावा। जैसे इसकी पॉपुलरिटी नहीं है आंसुओं के अलावा। छोले भटूरे तेल में तड़ होकर निकलते हैं उससे तो लाख गुना बेहतर। अरे सफोला की छोटी बोतल, जैसे तू तो वड़ा केरोसिन के हर्बल ऑयल में तलती है ना, कसम मिसल पाव की अगर तूने रोना धोना बंद नहीं किया ना तो इस देश की जनता अपने प्राण यमराज को साक्षी मान के हरी चटनी में डूब के स्वयं ही हर लेगी। थोड़ा तो समझे ना यार। अबे चुप हो जा यार। दिल्ली में है, दिल्ली में है। मेरे पास, मेरे पास।